पर्यटन स्थल कसौली कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन भाजपा प्रत्याशी राजीव सहजल ने यहां तीसरी बार लगातार जीत हासिल कर कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पिछली बार राजीव सहजल ने विनोद सुल्तानपुरी को महज 24 वोटों से शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार 442 वोटों से विनोद सुल्तानपुरी को हराकर उन्होंने जीत का परचम लहराया है। अब जीत के बाद भाजपा में मंत्री पद को लेकर सुगबुहार तेज हो गई है और सूत्रों की माने तो कसौली से राजीव सहजल को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। इस मौके पर जीत का जश्न मनाते हुए राजीव सहजल ने कहा कि 5 सालों तक कांग्रेस ने कसौली के साथ सौतेला व्यवहार किया है, जिसके चलते कसौली में सभी विकासात्मक कार्य थम चुके हैं, लेकिन अब सभी रुके हुए कार्यों में फिर से तेजी लाई जाएगी और कसौली को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा। इसका श्रेय अपने पार्टी के कसौली निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को दूंगा। उनकी अथक मेहनत के कारण ही हम तीसरी बार जो है कसौली निर्वाचन क्षेत्र में, जो कि कभी कांग्रेस का गढ़ समझा जाता था, आज हम तीसरी बार वहां विजयी हुए हैं। तो श्रेय जो है सबको जाता है, सब कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने दिन और रात मेहनत की। इस बार हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत कम समय दिया था, तो पूरा दबाव और भार जो था वो कार्यकर्ताओं के कंधे पर आ गया था। तो पिछले 5 वर्षों में हमारा निर्वाचन क्षेत्र जो है बुरी तरह से पिछड़ा। मैं वहां से विधायक था और कांग्रेस का जो हमारे साथ जो व्यवहार था वो बड़ा भेदभावपूर्ण था। हमारी सड़कें नहीं बन पाई, हमारी पेयजल योजनाएं नहीं बन पाई और अनेकों ऐसे विकास के काम जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। तो फिर से उस विकास को जो है पटरी पर लाना है।